तो नमस्कार सभी स्टूडेंट को। और कल सिविल इंजीनियर का एग्जाम स्टार्ट हो चुकी थी, तो आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले थे कि मैं मैकेनिकल से हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है सिविल के बारे में, तो सिविल के बारे में सोनू जी बताएंगे। एंड सोनू के एक मित्र है, जो क्लोज मित्र है, उसने एग्जाम दिया था, तो सारे के सारे कुछ वो बताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, किस किस का टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो एक एक करके वो आपको बताएंगे। हालांकि मैं केवल नॉन टेक वाला जीएस वाला पार्ट देखता हूँ, तो केवल मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से नॉन टेक भी यही बताएंगे, क्योंकि नॉन टेक बहुत ही कम क्वेश्चन रहा था, तो सारे कुछ यही बताएंगे। बाकी आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसी तरह काफ़ी कुछ अपडेट करते रहेंगे। आगे हम एसएससी जेई के लिए नॉन टेक मतलब जीएस का पार्ट, जीके जीएस का पार्ट चालू करने जा रहे हैं, तो पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम पे, बाकी ऐप पे आपको सारा कुछ तो मिल ही जाएगा। तो आइए हम तो सोनू जी आपको सारा कुछ बता देते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन था। तो आइए तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कल का जो एलआरसी का एग्जाम हुआ था टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे सॉइल से पोरोसिटी डेंसिटी इसका फार्मूला, सेवाक का फार्मूला, ये सब आप लोग पढ़ के जाइए, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि हम जो अपने दोस्त से बात किए हैं तो उनके थ्रू पता चला कि क्वेश्चन का लेवल जो है टफ नहीं है, वही है कि बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग को जो है बेसिक पढ़ के जाना है, जैसे कि खुरमी हो गया, गुप्ता हो गया, खुरमी का जो है आप 1 to 100 मतलब वो 1 से 100 तक का जो क्वेश्चन होता है बेसिक, और मतलब कि जो है सो बेसिक लेवल में भी जो है मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि गुप्ता और गुप्ता का जो है जैसे कि बताया गया था कि ए और बी कथन जो सही होता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन फिलहाल जो है कल 15 के लपेट में पूछा गया था, वो क्वेश्चन थोड़ा कुछ टफ था, मगर वो भी बेसिक क्वेश्चन ही था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। और रहा बात जो है सो और सब्जेक्ट का, तो जैसे कि रेलवे से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, हाईवे से 3 क्वेश्चन के लपेट में पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन ही था, इरिगेशन से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन था, हर एक टॉपिक से जो है 2-3 क्वेश्चन था, और हिंदी से हिंदी इंग्लिश में जो है स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन था, तो वो सब आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। और अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो था वो आप जो सेमेस्टर में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ पूछा गया। नॉन टेक में जो है साइंस इतना नहीं मतलब कवर किया गया, अप्लाइड फिजिक्स और ये मैथ केमिस्ट्री बायो इससे जो है मैथ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपको ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद आपको क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो यही सब क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पैनिक होना नहीं है। इसी तरह जो है हम अपने फ्रेंड से जो है बात करके आप लोग के बीच जो है बताते रहेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी एग्ज़ाम में, तो इसी प्रकार हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कंफर्म क्वेश्चन, तो विद्यार्थी खुद स्ट्रेस में रहता है एग्ज़ाम देख के तो बता नहीं पाता है, तो जिस टॉपिक से रहता है वो हम कोशिश करेंगे आपको बता देने का जहां तक पता चलेगा। तो कुछ ये था, बाकी आप इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, है ना। बाकी हम जीएस देखते हैं तो जीएस में कुछ खास नहीं था इसीलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, तो बाकी आप इसी तरह आगे जो भी अपडेट आएगा तो सारा देते रहेंगे, आंसर की वगैरह आएगा सारे के सारे अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।